A short linear object of length B lies along the axis of a concave mirror of focal length F at a distance u from the pole. Right? देखिए ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है. व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज. अब देखिए इसमें है कि ए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द पोल. व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज. राइट. अब देखिए इसमें यह है कि लीनियर ऑब्जेक्ट है और जिसका लेंथ बी है और ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर है. राइट. तो हम जैसा जानते हैं मिरर फॉर्मूला में हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है. मिरर फॉर्मूला इज 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. राइट. अब हमको लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए. लीनियर ऑब्जेक्ट कैसा है कि ये कॉन्केव मिरर है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट अभी तक हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे. ऑब्जेक्ट होता था प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब कैसा है. ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया. ऑब्जेक्ट को हम लिनियरली ऐसे रखे हैं. नाउ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है ऐसे. ये ऐसे रखा गया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है. तो उस समय मैग्निफिकेशन के लिए क्या ये हो जाएगा. तो देखिए हम आपको देते हैं. हमको मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू चाहिए. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. देखिए ये थोड़ा जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं उनके लिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो क्या होगा 1 बाई वी यानी वी का पावर माइनस 1. राइट. और डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं कि किसी का x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है. इसको हम लोग d बाई dx करते हैं. आप नहीं हो तो हम दे देंगे आपको. डिफरेंशिएशन रिफर कर लीजिएगा. दिस इज फॉर्मूला है n x n माइनस 1. अगर x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है d बाई dx ऑफ x टू द पावर n माइनस n इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स एन माइनस वन. तो यहां से हम वन बाई वी को रखेंगे मतलब वी का पावर माइनस वन हुआ. और इसको विथ रेस्पेक्ट टू ये करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वी करेंगे डी बाई डी वी. तो ये कितना हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस वन. राइट. और ये कितना हो जाएगा वी का पावर माइनस वन माइनस वन दैट इज वी का पावर माइनस टू. और इसको लिखेंगे वन बाई वी स्क्वायर. राइट. सो दिस इज माइनस वन बाई वी स्क्वायर और ये डी बी है. तो यहाँ डी बी हो जाएगा लास्ट में. राइट. तो इस तरह से इसको इसी रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. आप पॉज करके इसको देख सकते हैं अच्छे से. नाउ वन बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा. दिस इज वन बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी. राइट. और ये प्लस क्या हो जाएगा. ये दिस इज माइनस वन बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू वन बाई एफ. एफ तो कॉन्स्टेंट होता है. एफ तो वैरी करता नहीं है क्योंकि मिरर का है किसी भी मिरर का. तो किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. तो दिस इज जीरो. यहां से हमारा ये आ गया कि माइनस डी बी बाई बी स्क्वायर माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तब यहां से हम ये निकालेंगे डी वी. तो डी वी क्या हो जाएगा. देखिए यहां से डी वी इसको इधर ले जाएंगे. तो दिस इज माइनस कितना हो जाएगा. दिस इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू. राइट. माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर. अर्थात यहां से हम ये कहेंगे कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ये डी यू इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे लिए कि अब डी वी क्या है. दिस इज चेंज इन वी मतलब जो जहां से जहां तक. डी यू क्या है. चेंज इन यू. जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां रखा हुआ है. राइट. तो दिस इज यू वन एंड दिस इज यू टू. तो हमारा डी यू जो होगा दिस डी यू विल बी इक्वल टू यू टू माइनस यू वन. राइट. और इसी तरह से अगर इसका इमेज सपोज कहीं भी बनता है. अगर सपोज इसका इमेज इन्वर्टेड बना इधर ये तो दिस विल बी इक्वल टू वी वन एंड दिस इज इक्वल टू वी टू. तो ये क्या हो जाएगा. डी वी हो जाएगा हमारा. दिस इज टू माइनस वन है तो दिस इज वी टू माइनस वी वन. राइट. इस तरह से हम लोग ये करेंगे अपना. नाउ यहां पर दिया हुआ है हमारा कि डी बी. अब हम ये प्लस माइनस क्या होगा उसकी बात नहीं करते हैं. राइट.
अब देखिए भी बाई यू अल्टीमेटली हमारा मैग्निफिकेशन है, भी बाई यू क्या है मैग्निफिकेशन है, तो मिरर फॉर्मूला में हम जाते हैं कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर में यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह, तो क्या हो जाएगा दिस इज यू बाई एफ और ये क्या हो जाएगा दिस इज यू बाई यू एंड दिस इज यू बाई वी, तो ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दिस इज u बाई वी प्लस वन इज इक्वल टू यू बाई एफ राइट, और तब यहां से ये होगा u बाई वी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू u बाई एफ माइनस वन, ठीक है दिस इज u बाई एफ माइनस वन और ये हो जाएगा u माइनस एफ डिवाइड, या एक लाइन और लिख ही देते हैं आपके लिए सुविधा होगी, सो दिस इज u बाई एफ माइनस वन और तब ये हो जाएगा यहां से ये कि दिस इज वी बाई यू, यू लिख देते हैं दिस विल बी इक्वल टू यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू यू बाई वी एंड देन फाइनली हम कहें कि वी इज इक्वल टू देखिए यहां से या ये क्या हो जाएगा यही मैग्निफिकेशन है, यही मैग्निफिकेशन है, यहां से यू बाई वी इतना है तो वी बाई यू कितना हो जाएगा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहां से इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, अब देखिए देयरफॉर डी वी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा दिया हुआ कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ है b, तो अगर हम मोड dv निकालें मैग्नीट्यूड प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है हमको इसलिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज b इसका लेंथ दिया हुआ है i इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर, तो यहां से देखिए u बाई वी इतना है तो v बाई यू क्या हो जाएगा f अपॉन ये कितना हो जाएगा u माइनस f का होल स्क्वायर, सो दिस इज लेंथ ऑफ द इमेज जिसका मैग्नीट्यूड डीवी क्या हो गया बी इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर।